नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 31 मई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 206 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 3,565 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो रोहतास में 4, कैमूर में 10, भागलपुर में 4, वैशाली में 1, सारण में 14, भोजपुर में 14, गया में 5, सिवान में 8, पटना में 3, शेखपुरा में 16, सहरसा में 3, जहानाबाद में 13, रोहतास में 2, नालंदा में 2, अररिया में 10, दरभंगा में 10, मधेपुरा में 11, बांका में 1, किशनगंज में 11, नालंदा में 1, बक्सर में 2, ईस्ट चंपारण में 3, शिवहर में 2, मुजफ्फरपुर में 12, सीतामढ़ी में 1, बेगूसराय में 19, खगड़िया में 1, समस्तीपुर में 2, जमुई में 1, अरवल में 2, नवादा में 2, वेस्ट चंपारण में 3 मामले सामने आए हैं। लॉकडाउन के 5वें चरण की गाइडलाइन की गई जारी। लॉकडाउन के 4थे चरण की अवधि आज समाप्त की गई है, जिसके बाद बंद के 5वें चरण के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत नई गाइडलाइन 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी की गई है, जिसमें कि आवाजाही को पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। बंद की पाबंदी भी कंटेनमेंट जोन में लागू की जाएगी। वहीं 8 जून से धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्टोरेंट्स खोल दिए जाएंगे। वहीं स्कूल कॉलेज खोलने पर जुलाई में विचार किया जाएगा। साथ ही स्थिति के आधार पर विदेशी उड़ान, जिम, सिनेमा पर निर्णय होगा, लेकिन राज्य में मिलने वाली छूट की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। बिहार में अब तक 1311 मरीज हो गए हैं ठीक। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार बीते दिन तक कुल मिलाकर 73,969 सैंपल की जांच की गई थी। वहीं बिहार में बीते दिन शाम 4 बजे तक 1311 मरीजों के ठीक होने की पुष्टि की गई है, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। बिहार में जान गंवाने वालों का आंकड़ा पहुंचा 21 पर। बिहार में कोविड-19 की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं इसी बीच इससे जान गंवाने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके तहत बिहार में बीते दिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए ताजा अपडेट के अनुसार 3 और व्यक्तियों की जान चली गई है, जिसके बाद जान गंवाने वालों का आंकड़ा 21 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सिवान, भागलपुर और खगड़िया के रहने वाले 1-1 व्यक्ति की जान गई है। तीनों लोग हाल ही में अलग अलग राज्यों से वापस लौटे थे। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की कुल संख्या में से ज्यादातर है प्रवासी। बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं जब से प्रवासी मजदूरों की आवाजाही शुरू हुई, तब से सरकार और स्वास्थ्य विभाग की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 3500 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो गई है, जिसमें से 2433 प्रवासी है। जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार, पुलिस मुख्यालय ADG जितेंद्र कुमार ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया है कि 12,478 ब्लॉक को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिनमें से अब तक कुल मिलाकर 13,31,707 लोग रह रहे हैं, जिनमें से 7,06,710 श्रमिकों को क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। बिहार उद्योग मंत्रालय ने देश के उद्योगपतियों को बिहार में निवेश के लिए किया आमंत्रित। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से सड़कों पर आ गई है। इसी बीच बिहार उद्योग मंत्रालय ने देश के उद्योगपतियों को बिहार में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने देश के उद्योगपतियों को पत्र लिखा है और निवेदन किया है कि वे बिहार आए और यहां उद्योग की शुरुआत करें, क्योंकि भारत के 5 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल करने में बिहार भी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। बिहार में बड़ी संख्या में अप्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं, जिनका डेटा तैयार कर लिया गया है, जो बिहार के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। बिहार बोर्ड के कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की किताबें हुई ऑनलाइन। कोविड-19 की वजह से सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद है और इसी वजह से छात्रों का काफी ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने बंद के दौरान घर पर बैठे स्कूली छात्रों के समय का सदुपयोग करने के लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की किताबों को ऑनलाइन जारी कर दिया है। जारी किए गए जानकारी के अनुसार बिहार बोर्ड के कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के पुस्तकों को बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम ने विद्यावाहिनी ऐप मॉड्यूल पर जारी किया है, जिसके लिए अब सभी छात्रों को bpc.gov.in पर जाकर अपनी किताबों को डाउनलोड करना होगा। महज 500 रुपए में मिलेगी मैट्रिक की कॉपियां। बिहार बोर्ड ने कुछ दिन पहले मैट्रिक के परिणाम की घोषणा की थी, जिसके बाद सभी छात्रों से कॉपी का मूल्यांकन ठीक हुआ है या नहीं या रिजल्ट में कोई परेशानी नजर आने पर आवेदन करने की छूट भी दी गई थी, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग ने सभी छात्रों को उत्तर पुस्तिका और OMR शीट की फोटोकॉपी लेने की प्रक्रिया शुरू करवा दी है, जिसके तहत अब छात्रों को 500 रुपए देकर अपनी उत्तर पुस्तिका को निकलवाने का अवसर मिलेगा, जिसके लिए बिहार बोर्ड के पोर्टल secondary.biharboardonline.com पर जाकर आवेदन भरना होगा।
65वीं बीपीएससी मेंस एमवीआई बहाली के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 65वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले आवेदन की तारीख को बढ़ाकर 28 मई से 24 जून कर दिया है। वहीं परीक्षण शुल्क जमा कराने की तारीख में भी वृद्धि करते हुए 10 जून तक के लिए कर दिया गया है। इसके साथ ही डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की तारीख में भी बढ़ोतरी की है और अब 30 जून अंतिम तारीख रखी गई है। वहीं आपको बता दें, बीपीएससी परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। वहीं 65वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में 6521 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे। अब मुख्य और साक्षात्कार की परीक्षा होनी बाकी है। बिहार के 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन। बिहार के 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन दे दिया गया है, जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार तीनों आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है। उनमें पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीना, कैबिनेट के प्रधान सचिव डॉ दीपक प्रसाद और आयुक्त वंदना केनी का नाम शामिल है, जिसके तहत इन सभी अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव के पद पर प्रमोशन दिया गया है। शाही लीची की विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगी देसी मुर्गे। पुराने बागों के जीर्णोद्धार की दिशा में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र की अनूठी पहल की है, जिसके तहत पुराने बागों को नए बागों में तब्दील करने के लिए बुनियादी पुरानी नई कहानी योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें देसी मुर्गों की मदद ली जाएगी, जिसके बाद अब बरसों पुराने पड़ चुके लीची के बागों की तस्वीर बदलने वाली है। लीची के लिए पूरी दुनिया में विख्यात मुजफ्फरपुर के लीची बागवान की हिफाजत देसी मुर्गे करेंगे, जिसके लिए सहमति बन चुकी है। बंद के बीच बिहार पुलिस फिर से शुरू करने जा रहा है ट्रेनिंग। कोविड 19 की वजह से बंद के माहौल के बीच बिहार पुलिस फिर से ट्रेनिंग की सेवा शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने कोविड 19 से बचाव के मकसद से स्थगित पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम को फिर से चालू करने का अनुरोध किया है, क्योंकि कोविड 19 से फिलहाल छुटकारा मिलने की कोई उम्मीद नहीं जताई जा सकती है। इसलिए अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, अपर पुलिस महानिदेशक बीएमपी और अपर पुलिस महानिदेशक बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दे दी है। 3 लाख से ज्यादा मजदूरों की करवाई गई स्किल मैपिंग। अब तक लाखों मजदूर बिहार वापस लौट चुके। वहीं बिहार सरकार मजदूरों के लिए रोजगार मुहैया करवाने में लगी हुई है, जिसके तहत राज्य के अंदर उद्योग लगाने की कवायद शुरू की जा चुकी है। राज्य सरकार ने केंद्र से भी इसके लिए मांग की है। वहीं बिहार सरकार अब तक 3,39,188 मजदूरों की क्षमता का आकलन भी कर चुकी है, जिसके तहत कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में 84,366 मजदूरों की स्किल मैपिंग की जाएगी। अस्थायी मजदूर कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के लिए 7,361 मजदूरों की मैपिंग की गई है। वहीं सड़क और डैम निर्माण के क्षेत्र के लिए 5,050 मजदूरों की मैपिंग की गई है। बिहार में टिड्डियों के आने की बड़ी संभावना। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी टिड्डियों के आने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसकी जानकारी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने दी है, जिसके तहत उन्होंने सभी जिलों के किसानों को टिड्डियों से सतर्क रहने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं किसानों को अधिसूचना जारी करते हुए यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी भी जिले में टिड्डियों के आगमन को देखा जाता है तो किसान शीघ्र अतिशीघ्र इसकी जानकारी अपने जिलाधिकारी को मुहैया करवाए। इतना ही नहीं, जिला कृषि पदाधिकारी ने जिले के सभी प्रमंडल कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, बीटीएम, सभी किसान सलाहकार को अपने अपने कार्य क्षेत्र में सचेत रहने का भी आदेश जारी किया है। 1 जून को बांग्लादेश में फंसे मेडिकल स्टूडेंट्स पहुंचेंगे बिहार। कोविड 19 के बढ़ते असर के बीच दूसरे देश में फंसे प्रवासियों को वापस उनके देश लाने के लिए केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत की थी, जिसके तहत अब 1 जून को बिहार के मेडिकल स्टूडेंट्स की वापसी होगी। खबरों की माने तो यह सभी छात्र बांग्लादेश में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। वहीं वंदे भारत मिशन के तहत 1 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट इन्हें स्वदेश वापस लाएगी। सब कुछ सही रहा तो 1 जून के 12 बजे बांग्लादेश के लिए सीधा हवाई अड्डा पर एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-1231 से 35 से अधिक मेडिकल छात्र रवाना होंगे, जो 12:30 बजे पश्चिम बंगाल के कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। वहां से उन्हें गृह प्रदेश के लिए भेजा जाएगा। रघुवंश प्रसाद ने कहा कि वोटरशिप बढ़ाने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं मांझी और कुशवाहा। राजद नेता रघुवंश प्रसाद ने अपने सहयोगी दलों के खिलाफ 2 टूक बयानबाजी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और आगे भी रहेंगे। इसके ठीक उलट मांझी और कुशवाहा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया है, जिसका जवाब देते हुए रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि हमारे सहयोगी नेतागण आपस में बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ भाजपा से मुकाबला की रणनीति बनाने में उन्हें हमारा साथ देना चाहिए। जब पहले ही तय हो चुका है कि महागठबंधन की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो कंफ्यूजन किस बात की है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने बांद्रा के धीरज से की बात। सोनू सूद लगातार
प्रवासियों को उनके राज्य भेजने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बिहार के कई सारे प्रवासियों को वापस उनके राज्य में भेजा है। वहीं इसी बीच बांद्रा के धीरज से उनकी बातचीत सुर्खियों में बनी हुई है। बीते दिन धीरज ने अभिनेता सोनू सूद को ट्विटर पर कहा कि सर बंद के बाद मैं साइकिल से मुंबई आऊंगा और आपका आशीर्वाद लूंगा, जिसको रीट्वीट करते हुए सोनू सूद ने लिखा, साइकिल चलाने और पैदल चलने का समय गया दोस्त, अब मैं आपके पास आऊंगा और मुझे आप साइकिल पर बैठाकर मुजफ्फरपुर घुमाना, जिसके बाद धीरज काफी ज्यादा खुश हुए। इतना ही नहीं, धीरज ने यह भी कहा कि सोनू सूद के रीट्वीट के बाद लोगों के फोन कॉल्स आना शुरू हो गए हैं। पटना में आधे से अधिक मरीजों के ठीक होने की बात कही डीएम कुमार रवि ने। पटना के डीएम कुमार रवि ने बीते दिन कोविड 19 के संक्रमण से आधे से अधिक लोगों के ठीक होने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर से इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि पटना में 175 लोग अब ठीक हो चुके हैं और वापस घर लौट चुके हैं। वहीं कुल मिलाकर 232 लोग संक्रमित हैं, जिसमें से सिर्फ 55 रोगी अस्पतालों में भर्ती है। वहीं बीते दिन पटना में ठीक होने वालों की दर को देखते हुए 13 इलाके को कंटेनमेंट जोन से भी बाहर कर दिया गया था। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति शासन लगवाने की दी नसीहत। बिहार में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे, इसी बीच राजनीति भी जोर शोर से देखने को मिल रही है। बीते दिन रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से तंज कसते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार जी महज कुछ घंटे में पटना, मधेपुरा, बेगूसराय, गोपालगंज, कैमूर, औरंगाबाद सहित बिहार भर में दर्जनों अप्रिय वाक्य देखने को मिले हैं, मगर आपको चुनावी तैयारी से फुर्सत नहीं है। अगर आपको इन सब चीजों से फुर्सत नहीं है तो आप बिहार में राष्ट्रपति शासन ही लगवा दीजिए। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने की केंद्र पर आयोजित 66 योजनाओं के लिए राशि की मांग। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार द्वारा बिहार के हित के लिए शुरू की गई 66 योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से राशि की मांग की है, जिसके तहत उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर योजनाओं के लिए 25,650 करोड़ का वहन करने की बात की है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सों के तौर पर दी गई राशि के लिए भी धन्यवाद व्यक्त किया है। उन्होंने आगे कहा कि कोविड 19 की स्थिति में अगर केंद्र पूरी राशि वहन नहीं करेगी तो योजनाओं के बंद होने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। बिहार भाजपा कोविड 19 के माहौल में करेगी विधानसभा सम्मेलन। बिहार भाजपा ने कोविड 19 के इस माहौल में विधानसभा सम्मेलन करने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत भाजपा वर्चुअल सम्मेलन करेगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों के सामने अपनी बात रखेगी, जिसकी शुरुआत 6 जून से होने वाली है। खबरों के माने तो बिहार भाजपा का यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया गया है, जिसके तहत बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन की तैयारी की जाएगी, जो कि 23 जून तक आयोजित करवाई जाएगी, जिस पर बिहार कांग्रेस के नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने सवाल उठाया है और कहा है कि पिछले 15 सालों बिहार में भाजपा सत्ता में है, लेकिन उपलब्धि के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है। यह जनता के बीच जाएंगे तो इनसे जवाब मांगा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम लिखा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन अपने कार्यकाल के दूसरा साल पूरे होने पर देशवासियों के नाम पर एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने अपने सरकार के कामों का जिक्र किया है और मौजूदा कोविड 19 के माहौल में सबको धैर्य और संयम के साथ निकालने की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अगर हालात सामान्य होते तो मैं आप लोगों के बीच होता, लेकिन मौजूदा हालात इसकी इजाजत नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में अपने पिछले एक साल में की गई उपलब्धियों का वर्णन भी किया है और साथ ही सभी लोगों से कोविड 19 के इस माहौल में धैर्यपूर्वक काम करने की अपील की है। बीसीसीआई ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड के लिए भेजे नाम। एक दिवसीय विश्व कप में शानदार पारी खेलने वाले रोहित शर्मा के नाम को बीसीसीआई ने अपनी तरफ से खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है। इसके साथ ही बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को सलामी जोड़ीदारी शिखर धवन का नाम भी एक बार फिर से अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। इसके साथ ही भारतीय टीम के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा के नाम पर भी सिफारिश अर्जुन पुरस्कार के लिए की गई है। वहीं महिला वर्ग की बात करें तो इसमें ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा गया है, जो पिछले 3 साल से वनडे और टी20 दोनों में शानदार पारी खेल रही है, जिसकी जानकारी बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दिन साझा की है। अब 11 नंबरों का हो सकता है आपका मोबाइल नंबर। देश भर में मोबाइल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ट्राई ने एक अनोखा उपाय बताया है, जिसके तहत ट्राई के मुताबिक यदि मोबाइल नंबर को 10 की जगह 11 अंकों का कर दिया जाए तो देश भर में मोबाइल नंबरों की उपलब्धता बढ़ जाएगी। ट्राई का यह मानना है कि 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर के बजाय अगर 11 नंबर वाले मोबाइल नंबर को उपलब्ध करवाना ज्यादा आसान होगा, जिससे कि यदि मोबाइल नंबर 11 अंकों का कर दिया जाए और पहला नंबर 9 से रखा जाए तो देश में कुल 11 अरब मोबाइल नंबर बनाए जा सकेंगे। ट्विटर पर अब शेड्यूल किया जा सकेगा ट्वीट। सभी ट्विटर यूजर्स के लिए अहम सूचना। ट्विटर ने अपने सभी यूजर्स को तोहफा देते हुए अपना एक नया फीचर जारी किया है। इस फीचर की मदद से यूजर जब चाहे तब ट्वीट को शेड्यूल कर पाएंगे। इतना ही नहीं, जब यूजर को ड्राफ्ट सेव करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा, जिससे कि वह जब चाहे तब पोस्ट कर सकते हैं, जिसकी जानकारी ट्विटर ने अपने एक पोस्ट करके जारी की है। इतना ही नहीं, अब डेस्कटॉप वर्जन पर यूजर अपने मैसेज ड्राफ्ट करने के साथ ही उन्हें शेड्यूल भी कर सकते हैं, जिस पर आधिकारिक तौर पर रोल कर दिया गया है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रमोद कुमार, आलोक सिंह, अमरनाथ कुमार, चंदन कुमार, रेखा कुमारी, निधि सिंह, राहुल कुमार, जीतू कुमार, राघव रंजन, ऋतिक सिंह, ललन सिंह, कृष्ण नंदन वर्मा, नीतीश कुमार, सरफराज आलम, मोहम्मद अल्ताफ, रानी सिंह, कुणाल कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की किताबों को ऑनलाइन किए जाने से छात्रों को कितनी मदद मिलेगी? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।